किस किस ने मारा उसे? सिमरन, सिमरन के साथ में आए हुए जो गुंडे थे। बड़े बड़े अफसरां कोल गुजा, मैं गुहारा ला के देख लिया, सब किते केस पा के देख ले, पर हजे तक मेरी बूजो का कोई भी मसला हल नहीं होया, क्योंकि बूजो केड़ा कोई इंसान सी, वो तो एक जानवर समझा जाता उन्हें, पर मैनू तो पूछ के देखो, मेरा तो बच्चा ही सी ना जिदे नाल मैं इन्ना टाइम स्पेंड करिया। मैनू पूजो की इन्नी याद आती आ, जब मैं पिंजरा देख दी बार बार, मैं की करा, मेरा मन रोंदा है पूजो के करनी। एक जानवर की जान आज इंसान ले ली है, चुप क्यों है संसार। किन्ना वधिया लगता थे ना जो अपने दिन सारे जानवर सीगे, कबूतर भी सीगे, बत्तखां भी सीगियां, है ना, खरगोश भी रखे हुए सीगे, चिड़िया भी सीगियां, तोते भी सीगे, है ना, ते मेरे पूजो भी सी, होर भी कुत्ते सीगे, है ना। चकोई ना बच्चा, करने वालों का बेड़ा ही गर्क होगा, ऐसे नहीं करा करते, दिल नहीं छोटा करते। नहीं, मेरा बच्चा ऐसे नहीं करा करते। एनी के लेके आई सी जी मैं पूजो नु, थोड़े सामने ही तो लेके आई सी पूजो, एनी मैंने बड़े प्यार नाल मैंने पालिया, एड्डी वड्डी हो गई, एड्डा बड़ा दा मुंह, एड्डी जवान, उन्हें बच्चे दिते, मैं सारी रात उहदे नाल बैठ के कट्टी ठंड च। आरशी तो उस टाइम मेरे नाल सी, जदों आपां उहदे च अग पा के कोलियां दी आपां सेक दित्ता सीगा, और तसले दे विच पा के फिर आपां सारी रात, फिर बच्चे आपां अंदर लै गए चक के, फिर आपां अंदर सारी रात कट्टी दी ना, मैं तेरे कहा कि बच्चे दे रही आए, फिर हीटर भी लाया सीगा लिया के। दिल में थोड़ा कर रोना रोना। जसलीन महंत एक अजिहा भावुक इंसान जिहड़ा दूसरे के दुख नूं अपना दुख समझदा है, दूसरे के दर्द नूं अपना दर्द समझदा है, ते अज जसलीन महंत एक होर बड़े डूंघे दुखां दे समुंदर दे विच गोते ला रहा है, और वह जिहड़ा दुख है बड़ा अकै दुख है। वह दुख कोई जसलीन महंत का कोई पैसे का नुकसान होने का नहीं, वह दुख किसी ने इन्हां नूं परेशान किया होवे उसका नहीं, वह दुख एक मासूम जानवर दे कतल किए जाण दा दुख है। और जसलीन महंत का कहना है कि उसनू नींद नहीं आती, कई बार नींदा उड़ जांदियां ने। असीं गल करांगे जसलीन दे नाल। जसलीन अज की जिहड़ी अज तुसीं इन्ने उदास अज बैठे हो इस पिंजरे दे कोल, की कहना की है, उदासी का सबब की है? गुंडिया ने एक मासूम एक जानवर का एक डॉग का कतल कर दिता। आपां पुछदे हैं जसलीन जी तो कि पूरी किस्सा पूरी कहानी की जी। जसलीन दसो की है किस्सा पूरा, है कौन सी बूजो? बूजो मेरा बहुत ही प्यारा पैट सी, है ना, फीमेल डॉग सी बूजो मेरी, जिन्हों मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती सी, मेरा बच्चा सी। मैं एक महानता, है ना, मैं एक अपनी कुख तो जन्म नहीं दे सकती बच्चे नू, पर मैं पशु पंछी जानवरों नू बड़े प्यार नाल पुत्ता वांगू अपने बच्चियां वांगू पालदी हाँ जी। तो मैं बहुत सारे जानवर पाले हुए सी, है ना, ते जिहदे विच तोते बत्तखां भी सीगियां, कबूतर भी सी, खरगोश भी सी, पर बूजो फीमेल डॉग सी, है ना, जिहड़ी मैनू जिहदे नाल बड़ा ज़्यादा ही प्यार सीगा। उहदे नाल मैं खेडणा, मेरी इन्नी वीडियोज़ बनाईआं होईआं उहदे नाल, है ना, बार बार मतलब कि ना जे मैं ना उहनू खाणा पा जाणा, जे मैं उहनू मतलब कि कहणा लै बूजो खाणा पाता, मैं चली जाणा, तां बूजो ने खाणा ना खाणा। अच्छा, उन्हें वेट करनी भी कदों मेरे नाल प्यार नाल मेरे सिर ते हत्थ फेरूगी, फिर मैं रोटी खाऊंगी, एवें खांदी नहीं सी ओह रोटी। बड़ा मतलब के जदों सिमरन ने हमला करवाया, किस तरह जदों सिमरन ने डेरे दे उत्ते हमला कराया ना, केड़े ते? जट्टां वाले चौंतरे ते 381/7 जिहड़ा असली पूनम महंत जी दा डेरा है, उस डेरे ते सिमरन ने हमला करवाया सी। ओदो मेरी बूजो भी उस डेरे दे अंदर सी, तां इस डेरे दे इसी डेरे दे विच जी जी जिहदे विच मैं बैठी हां जी, बकायदा मेरी बूजो इसी पिंजरे दे विच दिखी जी, ए जिहड़ा पिंजरा है एदे विच, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी। ते
हमला होने तो बाद तो थानू पता कि पूरा महंत जी ने दसिया मेरे गुरु जी ने दसिया थानू भी कि मैं उन्होंने कुटमार की सब ने अपनी जान बचाने की परवाह की है ना कि उस टाइम सब न सिर्फ अपनी जान तो कीमती कुछ भी नहीं लग्या किसी नू इन्ना सुझिया नहीं कि वह पशु पंछी जेडे अंदर बंद ने उन्होंने भी नाल आजाद करा लैन क्योंकि पुलिस ने उस टाइम कार्रवाई नहीं सी करी बड़ा सी रौला पाया धरने लाए मैं बस स्टैंड ते रुली पर कुछ भी नहीं बनया सी पर जो बाद च पता लग गया कि बू जो मर्डर ही कर दिता गया उन तो तलवारा नाल वढ़ता सी क्योंकि जिहड़ी बूजो सी बूजो हैल्दी सेहत दी सी बूजो की सेहत बड़ी वधिया सी अच्छी सेहत थी उहदे फेस नू डर देख के ऐ लगता थी भी खा जूगी क्योंकि तो मूँह बहुत वधिया सी स्ट्रोंग सीगी नाल उहदे बच्चे भी सी उन्हां नू भी उहने मारता वैसे भी क्योंकि उहदे जिहड़े बच्चे सी उह पेट दे विच सीगे बूजो ने दो चार दिन बाद सू पैना सी उहदे पेट दे विच बच्चे सीगे हाँ मैं उहदी बकायदा थोड़े दिन पहला ही टीके लगवा के लैके आई हुण डॉक्टर कहिंदा भी हुण तुसीं इहदा ध्यान रखियो भी उहने दो चार दिन च बच्चे दे जाणे ने मैं उहदा खास ध्यान रख दी थी बस की पता थी जी भी बूजो ने बच्चे नूं जन्म ही नहीं दे पाउणा बड़ा दुख लगता बस सोचती रहनी हाँ कि बूजो कदे मुड़ के आऊगी पर सच तो यह भी कदे उहने मुड़ के ही नहीं आना बड़े बड़े अफसरां कोल गुजा मैं गुहारा ला के देख लिया सब किते केस पा के देख ले पर हजे तक मेरी बूजो का कोई भी मसला हल नहीं होया क्योंकि बूजो केड़ा कोई इंसान सी वो तो एक जानवर समझा जाता उन्हूं पर मैनू तो पुछ के देखो मेरा तो बच्चा ही सी ना जिदे नाल मैं इन्ना टाइम स्पेंड करिया ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇਅਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਟਨ ਇਨ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਐਕਟ ਕੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਭੀ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਨਾ ਆਜ ਯੇ मेरी गुरभाई है मेरी छोटी गुरभाई है मेरे बच्चों समान है हमारे कोई बच्चे नहीं होते हमारे लिए तो हमारे डॉग्स हमारे कैट्स हमारे जितने बर्ड्स हैं चिल्लाती है मेरे तो यही बच्चे हमारी यही धरोहर है और सबसे ज्यादा आप ये मान लो कि जब वो दो दिन की तीन दिन की जब से थी ना बुजो तब से इसने जाके देखना महीना भर भी नहीं मतलब महीने से पहले ला नहीं सकते थे उसे यहाँ पे तो रोज इसने जाना वहाँ पे एक घंटा दो घंटा उसके पास स्पेंड करके आना और वही मतलब यही मान लो ना किसी का बच्चा ही छिन गया आज मतलब चलो वो इंसान नहीं है तो क्या उसमें जान नहीं थी वो इंसान नहीं है अगर वो ह्यूमन नहीं है तो क्या उसमें जान नहीं थी उसमें प्राण नहीं थे किसी को तो वो दिल से ज्यादा प्यारा था ना उसकी सुनवाई तो करो यार ऑल वी वांट इज उसकी सुनवाई तो करो यार कोई उसकी माँ बराबर है उसके लिए तड़प रहा है ठीक है वो हमारा अडॉप्टेड बच्चा ही था यार हमने कभी उसे डॉग की तरह कंसिडर नहीं किया था तो उसकी सुनवाई तो करो यार जस्ट बिकॉज वो एक जानवर है इसलिए किस किसने मारा उसे सिमरन सिमरन के साथ में आए हुए जो गुंडे थे जो हमारे महंतों पे पूनम जी पे ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ हर कोई जानता है ये शबनम जी पूनम जी का डेरा है जट्टा वाला चौतरा 381/7 हम उन्हीं के घर के चले हैं ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा इट्स जस्ट दैट कि हमारे ऊपर बहुत हमला हुआ था उस हमले में जब ये गुंडे लेके आए थे तो उस समय मेरे गुरुजी वगैरह सब लोग यहाँ से नंगे पैर ही निकले थे और ये सच बात है चले ठीक है पुलिस उसके लुक आफ्टर कर रही है जब जस्टिस होगा तो होगा विल बी वेरी थैंकफुल टू द पुलिस प्रशासन यहाँ का जो भी है सो इतना समय बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा किसी के इमोशंस जो थोड़े से इमोशंस है ना उनको इतना टैग्ड ना रखो इतना टैग्ड मत रखो किसी के इमोशंस को किसी के लिए वो बच्चा ही था मे बी आपके लिए कुछ नॉर्मल सा पर्चा या नॉर्मल सा एक केस होगा कि ठीक है किसी ने किसी का डॉग मार दिया पर हमारे लिए वो हमारा बच्चा ही था एक जानवर की जान आज इंसान ले ली है चुप क्यों है संसार Yeah.
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।